दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आंखें यदि हमारी स्वस्थ हैं तो इस सुंदर संसार को हम देख सकते हैं। आंखें अगर हमारी ठीक नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है, चाहे कितनी सुंदरता हो वो बिल्कुल आपको अंधकार की तरह से दिखाई देगी। तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जो है एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं नेत्रवस्ती, नेत्र तर्पण, अक्षी तर्पण के नाम से भी इसको कहा जाता है। आंखों में धुंधलापन हो, आंखों में आपको आंखों के नीचे सूजन हो, आंखों में कुछ और प्रकार का विकार हो जैसे जलन हो जाती है कई बार आंखों में, या फिर जो है रेटिना या फिर जो ऑप्टिक नर्व है वो सूखने लगी हो, कुछ लोगों के पलकें जो है वो गिरने लगती हैं, आई लैशेज फॉल हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रकार की आंखों की समस्या हो, या आंखों की कोई भी समस्या ना हो और आंखों को स्वस्थ रखना आप चाहते हैं, उसके लिए नेत्रवस्ती अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए आपको जीवा आयुर्वेद के पंचकर्म डिपार्टमेंट में संपर्क करना है, और जब आप हमारे पास आएंगे तो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, या अगर आप केवल स्वस्थ रहने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अनुसार भी हम एक चूज करते हैं कि कौन सा घी प्रयोग करना है। कई प्रकार के मेडिकेटेड घी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। नेत्रवस्ती क्या होती है, हम आंख के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाते हैं और पेशेंट को लिटा करके उसमें फिर कुछ मेडिकेटेड घी भर देते हैं। बहुत गजब का ट्रीटमेंट है, ना केवल आंखों के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, इवन जो हमारे मस्तिष्क के संबंध में कुछ आपको विकार है, मस्तिष्क संबंधी कुछ रोग आपको है, उनमें भी बहुत लाभ करता है। इवन मैंने देखा है कुछ लोगों को इंसोम्निया यदि हो, नींद नहीं आती है, उनको भी बहुत फायदा होता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि कभी कभार जो है नेत्रवस्ती आपको जरूर करानी चाहिए। और आंखों के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जीवा में हमने विशेषज्ञ रखे हैं जो केवल आंखों की चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट हम उनको बोलते हैं, उनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आपके किसी प्रकार के आंखों के यदि रोग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा सेहत का नंबर हमेशा आपके साथ रहता है, इसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर 01294040404।